बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार मोटर्स। आज है मंडे का दिन, पीछे एक बार भाई दिखा दो कैसा सीन है। अभी खान साहब को भी दिखा दिया जाए अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा। क्या बात है भाई, क्या बात है, आ जाओ भाई वापस आ जाओ इस तरफ। तो आज जो है मंडे का दिन था, काम वैसे मंडे को कमी होता है, तो आज एक बलेनो आई थी, उसका पूरा काम कर दिया गया। आप बलेनो की वीडियो एंजॉय करो, जब तक मैं रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए जो आज आप देखने वाले हो। ये अपने ड्रम पेंट हो चुके हैं, ऊपर DRL भी लगाई है। सो भाई गाड़ी का काम अपना कंप्लीट हो चुका है। ये है अपनी बलेनो और ये है सिग्मा 7.5 लाख रुपए ऑन रोड। और अभी क्या क्या इसके अंदर लगाया गया है वो आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। गाड़ी कैसी लग रही है फटाफट कमेंट कर दो, वीडियो देखने से पहले इसको लाइक कर दो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी और भी वीडियोज लाता रहूं। अगर आप सेम काम कराना चाहते हो तो आ सकते हो काउंटिंग कार्स पे, जहां पे आपको सारी एक्सेसरीज मिलेगी अपनी सारी गाड़ियों की, चाहे वो गाड़ी ये हो चाहे ये हो। बाकी भैया आए थे हमारे पास, और भैया कहाँ से आए थे एक बार थोड़ा सा सारे भाई एक बार नाम बता दो भैया करके। बिल्लू बलराम, आप बता दो भैया। बिना चौहान, अरुण चौहान भाई। और सारे भाई आए थे यहाँ पे भैया बलेनो, आपने पूरी अपनी रेडी करा ली, काम कैसा था? साउंड मजा बंद दिया, साउंड आउटपुट में मजा आया? बढ़िया भाई, बढ़िया। और लास्ट में भैया को वो 70 काफी पसंद आए थे, बढ़िया सब कुछ सही लगा। एक बार भी ऐसा कर दो, सारी गाड़ियों की एक्सेसरी मिलेगी। और यहाँ पे ये जो है मेन रोड से आप लोग एंट्री करोगे तो आप डायरेक्टली यहाँ आ सकते हो काम कराने के लिए। चलते हैं भाई गाड़ी की तरफ, तो इसके अंदर क्या क्या काम हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऑटो फोल्डिंग अभी नहीं हुए हैं क्योंकि मेन जो है इसमें सिस्टम के ऊपर ज़्यादा स्पेंड हुआ है, तो सिस्टम भैया का मेन था कि गाड़ी कहीं से जाए तो लगना चाहिए। एक टोरा है गाड़ी का भाई, वो होना चाहिए था, इसीलिए अलॉय व्हील्स डाले गए हैं और सिस्टम डाला गया इसके अंदर। अलॉय व्हील्स आप लोगों को दिखा देता हूँ। अलॉय व्हील्स की जो इसके साथ टायर आए थे भाई, वो आए थे अपने 15 इंच के आए गए, वो रिटर्न करने के बाद ये वाले टायर इंस्टॉल हुए हैं। टायर के साथ साथ ये वाले अलॉय व्हील इंस्टॉल हुए हैं। जो टोटल कॉस्टिंग इसकी दी गई है वो टोटल कॉस्टिंग भाई 36,000 रुपये हैं अपना टायर वायर लेस करने के बाद। टायर साइज अब जो लगाया वो हमने 205 लगाया, पहले 185 था, 45R17 लगाया। 17 इंच के अलॉय व्हील्स आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे और मास्टर ब्रांड के ये अलॉय व्हील्स यहाँ पे इंस्टॉल करे गए हैं। पीछे की तरफ DRL भी इंस्टॉल करी गई है जिसमें इंडिकेटर भी होगा। अगर नाइट टाइम में आप लुक देखोगे या फिर ऐसे भी लुक देखोगे तो आपको काफ़ी जो है अट्रैक्टिव लगेगी और ज़बरदस्त लगेगी गाड़ी देखने में। पीछे की तरफ देख पाओगे भाई अंदर का जो ड्रम है उसको पेंट कर दिया गया है, और फ्रंट साइड पर जो अपना ब्रेक कैलिपर आता है उसको भी पेंट कर दिया गया है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें पेंट करने के बाद जो पूरा स्टांस है गाड़ी का वो काफ़ी अट्रैक्टिव आता है, सेक्सी लगती है भाई गाड़ी, नेक्स्ट लेवल लगती है। अगर लो भी देखोगे भाई गाड़ी कितनी सेक्सी लग रही है आप लोग कमेंट डाउन करके बता सकते हो। फ्रंट साइड पे आते हैं तो फ्रंट साइड पे यहाँ पे DRL इंस्टॉल करी गई है। इसके अंदर हैलोजन बल्ब आता है उसको चेंज करके LED इंस्टॉल किया गया। यहाँ पे येलो पार्किंग लाइट आती है उसको व्हाइट में कन्वर्ट किया गया। फॉग लैंप नेक्स्ट टाइम लगा देंगे। सो ये है भाई अपनी फॉग लाइट, ये हाई पेज का प्रोजेक्टर, यहाँ पे आप देख पाओगे ये प्रोजेक्टर है। एक काम करते हैं पीछे वाले सेक्शन में चलते हैं जहाँ फॉग लाइट पड़ी है, वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने व्हाइट लेंस लगाया था यहाँ पे, उसके बाद मैंने ब्लू लेंस लगाया था। देखो दोनों में डिफरेंस आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। ये वाला ब्लू लेंस है और ये वाला व्हाइट लेंस है। तो ये लगाया था, ये ओरिजिनल IPH है भाई, 2500 रुपये का IPH है। काफ़ी लोग मार्केट में 2200 में IPH दे रहे हैं, कभी कभी ये सस्ता आ जाता है, हम भी कभी कभी 2200-2300 में सेल करते हैं, लेकिन जो रेगुलरली आपको 2200 में दे रहे हैं तो आप लोग उनसे थोड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि वो जो है कॉपी होती है। कॉपी का पहचान यही है कि जो उसकी बॉडी होगी ना, इसकी बॉडी देखो आप किस तरीके से ब्रॉड है, ब्रॉड भी है, लेंथ भी आप देख पाओगे कि बिल्कुल डिसेंट लेंथ है। जो कॉपी होगी ना उसकी जो ब्रॉडनेस होगी वो कम होगी और लेंथ थोड़ी सी लंबी होगी। तो यार कॉपी वॉपी सामान से बच के रहो, काफ़ी लोग आ गए हैं भाई तो उनसे थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। आप लोगों के लिए 800 रुपये से स्टार्ट है, इसके अंदर हैलोजन लाइट आएगी और इसका मैंने आपको बता दिया 2500 है, 2200-2300 में भी कभी कभी जैसे ज़्यादा स्टॉक आ गया तो कभी कभी इसके प्राइस कम हो जाते हैं। स्टीरियो हाइपरसोनिक का देख सकते हो, पीछे डिग्गी में बूफर नहीं लगाना, अंडर सीट बूफर देख सकते हो। सामान आप इस तरफ पूरा रेंज देख पाओगे, यहाँ पे आप लोगों को बैक रेस्ट की सीट भी मिल जाएगी, यहाँ पे जो है ये स्क्रीन है, पीछे वाली सीट पे स्क्रीन लगेगी। और ग्रिल जो है ये क्रोम, काफी लोग कह रहे थे कि क्रोम चाहिए, तो भाई क्रोम नहीं आएगी, पूरी की पूरी ग्रिल अवेलेबल है, पूरी ग्रिल चेंज हो जाएगी आपकी टॉप मॉडल वाली, तो वो चाहो तो लगवा सकते हो। तो सीट कवर लगवाए नहीं, लेकिन मैं फिलहाल चाहूंगा कि आप लोगों को सीट कवर की वैरायटीज बता दूं। तो ये है भाई ब्लैक के ऊपर सिल्वर थ्रेडिंग, ये है ब्लैक के ऊपर व्हाइट का टच पूरा का पूरा, उसके अलावा ये एम्पलीफायर है भाई, इसको अलग कर देते हैं। ये है ब्लैक के ऊपर ब्लू थ्रेडिंग के अंदर, ये प्योर ब्लैक जिसको चाहिए और पसीना आता है पीछे, तो वेंटिलेशन यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। अगला अपना डायमंड वाला आ जाता है, ये ब्लैक पे डायमंड रहेगा। अगला अपना ये थोड़ा सा डिजाइन है, पता नहीं क्या डिजाइन है, बट डिजाइन इसमें दिया गया। बाकी इसमें कलर आप अगर चेंज करना चाहो और मटेरियल दोनों हो जाएंगे। ये अपना आता है 3D डिजाइन और इसके ऊपर रेड कलर की स्टिचिंग है, ब्लैक मटेरियल है और इसके अंदर आपको क्वालिटी मिल जाएगी 3-4 तरीके की। जैसे ये देख पाओगे सबसे सस्ते वाला आप लोगों को सीट कवर मिल जाएगा यहाँ पे, और ये देखोगे तो ये थोड़ा सा उससे कॉस्टली है। और जो मैं आपको और भी डिजाइन दिखा देता हूँ थोड़े से, सो सैंपल पड़े हैं भाई यहाँ पे, चलो वो आप मेरी एक बलेनो की वीडियो डली हुई है उसमें आप लोग देख लेना, उसमें आप लोगों को
साका लेमिनेशन और जो हाई एंड ब्रिटिश लेदर है दोनों का सैंपल उसके अंदर आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे JBL GDO पड़े हुए हैं। ये JBL GDO हमने आगे पीछे दोनों साइड पे इंस्टॉल करे हैं। JBL GDO का स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। काफी लोग ना रेट पता करके आते हैं लेकिन उनके साथ गलती क्या होती है, वो JBL GDO तो देख लेते हैं, GDO के बाद उनको ये नहीं पता होता कि GDO का कोएक्सल है कि GDO का कॉम्पोनेंट है। ये GDO का कॉम्पोनेंट है 609C, ये हमेशा देख लेना भाई। प्राइसेज में आप लोग काफी कंफ्यूज रहते हो। गाड़ी का जो पूरा काम हुआ है वो 60,000 से कम में हुआ है, 55 से 60 के बीच में, जिसके अंदर अलॉय व्हील्स इंक्लूडेड नहीं है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, थोड़े बहुत काम है जो वीडियो में रह भी जाते हैं। जैसे रिफ्लेक्टर लाइट देख पाओगे भाई कितनी जबरदस्त लग रही है, तो रिफ्लेक्टर लाइट भी लगी हुई है उसके अंदर। ये देखो भाई कितनी बढ़िया लग रही है, रिफ्लेक्टर लाइट लगी हुई है उसके अंदर। तो इधर मोड़ दो। तो भाई छोटे मोटे जो काम होते हैं कभी कभी छूट भी जाते हैं रिकॉर्ड करने। सो अंदर की तरफ आते हैं, तो अंदर की तरफ यहाँ पे आप लोगों को बलेनो की स्कफ प्लेट देखने के लिए मिलेगी। ये एलुमिनेटेड है और PVC की क्वालिटी भी आप लोग देख पाओगे आपके सामने, किस तरीके की ग्लॉसी PVC इंस्टॉल करी गई है। नीचे की तरफ 70 मैट्स है और नीचे की तरफ एम्बियंट लाइट लगाई गई है और इधर भी एम्बियंट लाइट लगाई गई है पूरी की पूरी। ये भी डे टाइम है इसलिए इतना ज़्यादा नोटिस नहीं हो रहा, बट इधर आप देख पाओगे कि किस तरीके की एम्बियंट लाइट ग्लो कर रही है अंधेरे में। ठीक है, तो इस तरीके की एम्बियंट लाइट इसके अंदर इंस्टॉल करी गई है। भैया जब बाद में आएंगे तो यहाँ पे लेदर भी इंस्टॉल कर देंगे और इसको जो है भैया कह रहे हैं ऑल ब्लैक कराना है मैंने, ये भी ऑल ब्लैक कराना है और ये जितने भी पिलर छतवत सारी चीज़ें वो सारी ऑल ब्लैक में चाहिए। स्टेयरिंग रैप मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये स्टेयरिंग रैप किया गया है लेदर में OEM टाइप, जैसा कि कंपनी की तरफ से आता है। स्टेयरिंग कंट्रोल अभी नहीं लगाए हैं क्योंकि स्टेयरिंग कंट्रोल भैया बाद में आगे लगवा लेंगे या फिर लगवा लेंगे जब भी इनका बजट बन जाएगा स्टेयरिंग के लिए और ये ऑटो फोल्डिंग के लिए। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि फिनिशिंग कैसी आई है, ये देख पाओगे पूरी की पूरी, और ये भी पूरी स्टिचिंग करी गई है। हेयर यू गो हेयर ऑल्सो। सो ये था भाई 70 मैट की फिटिंग कैसी लगी ये भी बता सकते हो। सीट कवर नहीं लगाए क्योंकि वही एक साथ ही वो बाकी का काम कर लेंगे, तो ये 70 मैट्स इंस्टॉल कर दिए यहाँ पे फिलहाल के लिए जो कि इनको काफ़ी पसंद आए। और GTO इंस्टॉल किया गया है आगे पीछे दोनों साइड, GTO इंस्टॉल किया गया है। ये अपना JBL GTO है 609C और 100 वॉट RMS के कॉम्पोनेंट्स है। इसके ट्विटर प्लेसमेंट यहाँ हुई है और नीचे की तरफ इसके अंदर एम्पलीफायर इंस्टॉल किया गया है। तो ये एम्पलीफायर इंस्टॉल किया गया, एम्पलीफायर जो है वो SNB का 4 चैनल जिसके ऊपर एक बूफर भी चलेगा। पे आते हैं तो बैक साइड पे JBL का 1200 वॉट का बूफर इंस्टॉल किया गया, साथ में पीछे कर्टेंस भी पड़े हैं। ये कर्टेंस आपके चारों विंडो पे लगेंगे और अपना जो बैक कैमरे की प्लेसमेंट है वो यहाँ पे करी गई है। और अपना स्टीरियो के बारे में बात कर लेते हैं भाई, ये है अपना 216 स्टीरियो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया जो कि एंड्रॉयड रहेगा। साथ ही साथ इसके अंदर आपके सारी चीज़ें आ जाएगी, जैसे प्ले स्टोर से आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा, वाईफाई यहाँ है, ब्लूटूथ यहाँ है। एक बारी मैं आप लोगों को साउंड आउटपुट सुना देता हूँ इसका कि कैसा साउंड आउटपुट आ रहा है। सबसे पहले एक आपको बेस का मैं टेस्ट देने वाला हूँ, तो ये जो है कॉपीराइट वाला सॉन्ग है, इसके लिए एक लाइक कर देना क्योंकि इस वीडियो पे कोई भी अर्निंग नहीं होने वाली अब हमारी। तो इसमें मैं अभी आप लोगों को सुनाऊंगा कि कॉपीराइट है ना भाई इसमें, इस गाने में कॉपीराइट है ये। क्योंकि बेस का थोड़ा एक अच्छा इफेक्ट आएगा, जो वीडियो देख रहा है उसका एक एक्सपीरियंस अच्छा होगा। सही है, स्क्रीन लगेगी। बाकी HID मतलब स्टॉक आप लोगों को हमेशा मिल जाएगा यहाँ पे। आप कुछ लगवाना चाहते हो तो मेक श्योर आप यहाँ पे काउंटिंग कार्ड्स पे आके लगवा सकते हो। स्पीकर्स आप लोगों को 1000 रुपए से लेके 40,000 रुपए तक के कंपोनेंट्स स्पीकर यहाँ पे मिल जाएंगे और साउंड का तो क्या कहना, सारी चीजें यहाँ पे हो जाती है। बाकी भैया आए थे हमारे पास, और भैया कहाँ से आए थे एक बार थोड़ा सा सारे भाई एक बार नाम बता दो भैया एक एक करके। बिल्लू बलराम, आप बता दो भैया। विनय चौहान, अरुण चौहान भाई, और सारे भाई आए थे यहाँ पे। भैया बलिनो आपने पूरी अपनी रेडी करा ली, काम कैसा था? साउंड आउटपुट में मजा आया? बढ़िया भाई, बढ़िया। और लास्ट में बिल्कुल भाई, दिल खुश होगा भाई, दिक्कत ना भाई, दिल खुश कर दे भाई। और लास्ट में भैया को वो 70 काफी पसंद आए थे, बढ़िया सब कुछ सही लगा। एक बारी भी ऐसे कर दो। ओके भाई, ये देखो भाई कितनी बढ़िया लग रही है, रिफ्लेक्टर लाइट लगी हुई है उसके अंदर।